आज हम बनाएंगे इस डिलीशियस पनीर करी को, जिसका नाम है कढ़ाई पनीर। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। अभी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर की जो मेन मसाला है उसे तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक लाल मिर्च डाला है, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधे से कम काली मिर्च। हम इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये रेडी हो जाएगा। अभी देखिए मैं एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। इसे हम दरदरा पीसेंगे। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें कैप्सिकम अभी डालेंगे और प्याज को डालेंगे। कैप्सिकम और प्याज को इतने बड़ी बड़ी साइज में आप काटेंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज का ऊपर कुछ लेयर मैंने ले लिया था और ये अंदर का भाग है। इन्हें हम चॉप करके रखेंगे, बाद में ये काम में आएगा। टमाटर को मैंने भी ट्रायंगुलर शेप में काट दिया है। ये 1 मीडियम साइज के टमाटर है। ये देखिए मैंने 5 मिनट इसे भून के रख लिया है। अभी हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। आप इसके बदले घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और इसे चौकोर में काट लिया है। इसे हम थोड़ी देर इस तरह से चलाएंगे। पनीर को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सालो फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। अभी हमारा पनीर हो गया है, हम निकाल लेंगे। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। कढ़ाई में जो तेल बचा है इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर, रफली कटी हुई। अभी मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन, 10 से 12 कलियाँ, अदरक 1.5 इंच के करीब। अभी इसमें डाल देंगे 10 से 12 काजू। आप इसके बदले मेलन सीड भी यूज़ कर सकते हैं, जो मगज आता है। धनिया का डंठल हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बढ़िया फ्लेवर देगा इसमें। हम इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे या फिर टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने तक। इसे अभी हम निकाल के इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। पहले इसे ठंडा करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा। उसी कढ़ाई में हम और 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर जले ना, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डालेंगे। अभी डालेंगे धनिया, 1 कुटी हुई धनिया है, 1 चम्मच साबुत जीरा भी डालेंगे। इन्हें चटकने के बाद हम डालेंगे इसमें चॉप्ड प्याज, जो हमने चॉप करके रखे थे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज का यूज़ किया है। ऊपर का कुछ लेयर मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था और ये अंदर का भाग है, इसे भी मैंने चॉप करके ले लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे कुछ देर भूनने के बाद अभी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखा वाला मिर्च नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। बहुत बढ़िया कलर आएगा इसे डालने से। अभी हम डालेंगे जो टमाटर का पेस्ट बनाए थे, टमाटर काजू और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। जार में जो मसाला लगा हुआ था मैंने इसमें पानी डाल के इसे डाल दूंगी। इसे हम 7 से 8 मिनट इस तरह से भूनेंगे, इसकी ऑयल रिलीज होने तक। अभी हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अभी हम ढक्कन खोल के देखेंगे, ऑयल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मसाला को भूनने की ज़रूरत नहीं है। जो कैप्सिकम और प्याज को हमने फ्राई करके रखे थे अब हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी टाइम है नमक डालने की। अभी आप स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे हम अभी 2-3 मिनट इस तरह से भूनेंगे। अभी इसमें हम 1 बड़ा चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल देंगे।
एक मुट्ठी भर के धनिया पत्ता हम डालेंगे, इसे मैंने चॉप करके रखा था। अभी हम जो स्पेशल कढ़ाई मसाला बनाए थे इसे डाल देंगे थोड़ा सा, 1-2 चम्मच के करीब। एक कटोरी जितना मैं पानी डाल लेंगे। अभी इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी बारी है पनीर डालने की, हमने जो सालों फ्राई करके रखे थे इसे डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करके बस 1-2 मिनट ढक के रखेंगे। अभी हम 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे इसमें, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। हमारा कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट तैयार होने को है, अभी लास्ट स्टेप बाकी है। फाइनली हम इसमें डालेंगे जो मसाला बनाए थे कढ़ाई मसाला, उसे। ये देखिए मैं आपको पास में दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया दिख रही है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे। बस मैं 1/2 मिनट के लिए इसे ढक रही थी, अभी खोल रही हूँ। कितनी बढ़िया बन चुका है हमारा पनीर करी। हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। अभी मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे रोटी, पराठा, नान, इन सभी में एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को थोड़ा पतला कर सकते हैं और थोड़ा पानी मिला के। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।